नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक MI का मोबाइल है, MI 3S, और इसमें हमारा ये टच प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने MI 3S मोबाइल का टच किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं और किस प्रकार से आप उसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए, काफी जगह पर हमारा ये टच काम नहीं करता। जैसे ये सेटिंग में हम दबा रहे हैं तो यहाँ पर अबाउट पे नहीं जाएगा, ये देखिए दूसरी जगह ही चला जाता है। इस प्रकार से हमारा ये वर्क नहीं करता, ये देखिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने MI 3S मोबाइल का टच किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये हमारा टच प्रॉपर वे में वर्किंग में नहीं है, तो देखिए स्विच ऑफ भी शायद होगा नहीं। ये देखिए, ये ओके कई बार कंफर्म कर लेता है, कई बार नहीं होता, तो ये स्विच ऑफ कर दिया। देखिए दोस्तों, स्विच ऑफ करने के बाद में हमें सबसे पहले हमारा ये इसका ये निकाल लेना है सिम ट्रे को, और ये सिम ट्रे हम निकाल लेते हैं। ये सिम ट्रे हमने निकाल दिया और अब हमें इसका बैक पैनल को ओपन कर लेना है। तो ये बैक पैनल हम इस प्रकार से नेल्स की सहायता से इसको ओपन कर लेते हैं। ये हम बहुत ही केयरफुली तरीके से हमें ओपन करना है। ये देखिए हमारा इसका फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें निकाल लेना है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। और अब हमें ये टॉप सेक्शन से इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। मैग्नेट का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सके, ताकि हमारा कोई भी स्क्रू मिस ना हो। हमें वन बाय वन करके सारे के सारे स्क्रू ओपन कर लेने। ये देखिए, हमने टॉप सेक्शन के सारे स्क्रू ओपन कर लिए। इसको हमें थोड़ा सा हटा लेना है। यहां से हमें ये बैटरी को भी रिमूव कर लेना है, और ये बैटरी भी हमें निकाल लेनी है। थोड़ा केयरफुली तरीके से हमें ये बैटरी भी रिमूव कर लेनी है। इस प्रकार से ये हमें बैटरी अलग रख लेनी है, और साथ ही साथ हमें ये डिस्प्ले कनेक्टर को ये हटा लेना है। ये मदरबोर्ड हमें प्रॉपर वे में बाहर निकाल लेना दोस्तों। हमें इसके साथ ये ऑन ऑफ स्विच को भी निकाल लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये MI 3S मोबाइल ओपन करते हैं तो ये ऑन ऑफ स्विच का हमारा स्ट्रिप कट जाता है। तो सबसे पहले हमें ये अलग रख लेना है ताकि हमारा ये डैमेज ना हो। ये देखिए, ऑन ऑफ स्विच को हमने निकाल लिया, और हमें ये टच कनेक्टर को भी निकाल लेना है इस प्रकार से। बहुत ही केयरफुली तरीके से हमें निकालना है, क्योंकि हमारा डिस्प्ले सही है और टच हमें रिप्लेस करना है। तो ये इस प्रकार से हमें केयरफुली तरीके से निकालना है, और इसको हम ट्वीज़र की मदद से इसको इस प्रकार से निकालेंगे। और ये बैक साइड की स्ट्रिप भी हम निकालेंगे। और ये देखिए, हमने ये निकाल लिया मदरबोर्ड को, और इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा हीट करना है ताकि हम इस टच को रिमूव कर सकें। इसको हम अलग रख लेते हैं वाइब्रेटर वगैरह को, तो हम इसको SMD की सहायता से रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम जो सेपरेटर मशीन है उससे भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। ये देखिए दोस्तों, हमने सेपरेटर मशीन से इसको हीट कर लिया है, और ये देखिए बहुत गर्म है ये, तो हमने इसको हीट कर लिया। अब हम इसको हटाएंगे। ये पहले भी इसका टच से रिप्लेस किया हुआ है, ये हम ब्लेड की सहायता से, गर्म है थोड़ा, तो बहुत ही केयरफुली तरीके से हम इसको रिमूव करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो हम कोशिश करते हैं इसको धीरे धीरे रिमूव करने की। बहुत ही केयरफुली तरीके से हमें ये करना है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी हमें जल्दबाजी किसी प्रकार का कोई भी नहीं करना, और ये बहुत ध्यानपूर्वक हमें ये टच को निकालने की कोशिश करनी है। और ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम एक पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे, इस प्रकार से प्लास्टिक रैपर का, ताकि ये इसके अंदर से हम इसमें फंसा सकें। और ये इससे हम, ये देखिए दोस्तों, हमने थोड़ा और गर्म कर लिया इसको, और ये बहुत ही आसानी से हमारा निकल जाएगा। ये हम इसको निकालते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिप को ध्यान में रखते हुए हमें ये निकाल लेना है कॉम्बो को। ये देखिए, इस प्रकार से हम ये कॉम्बो को अलग कर लेना है। बहुत गर्म है ये, तो हमें थोड़ा सा फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर किसी प्रकार का, और बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें केयरफुली तरीके से हमें ये रिमूव कर लेना है।
और यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमें इस प्रकार से अलग कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इसका निकाल लिया है कॉम्बो, और आप देख पा रहे हैं ये हमने कॉम्बो को निकाल लिया है। अब हम इसकी टच को अलग करेंगे, तो टच सेपरेटर मशीन से भी कर सकते हैं हम, और वैसे भी हम इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि इसका टच पहले लगाया गया है। देखिए पूरी डिस्प्ले हमारी खुली हुई है, तो इसको हम देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम इसको मदरबोर्ड में लगा के देखते हैं कि हमारी डिस्प्ले सही है क्या डैमेज हो गई है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा कॉम्बो प्रॉपर वे में है या नहीं है, या डैमेज तो नहीं हो गया कहीं। तो एक बार हम इसको में लगा कर चेक कर लेते हैं। तो ये हम हमारा मदरबोर्ड लेते हैं, एक बार हम ऐसे ही नॉर्मली चेक कर लेते हैं कहीं कॉम्बो डैमेज तो नहीं हुआ, और इसको ओपनली हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ये हम इसके डिस्प्ले को लगा लेते हैं, पहले बैटरी हम लगाते हैं और ये हम इसमें डिस्प्ले लगा देते हैं। और ये ऑन ऑफ स्विच भी हम इसमें लगाएंगे। ऑन ऑफ स्विच इसका काफी डैमेज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको थोड़ा सा आप केयरफुली तरीके से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कई बार मैक्सिमम लोग इसमें रेडमी 3S मोबाइल में ऑन ऑफ स्विच डैमेज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आप केयरफुली तरीके से लगाकर, और ये बैटरी आपको लगा देनी है कनेक्टर को, और ये आपको स्विच ऑन करना है। हम स्विच ऑन करते हैं, और ये हमने स्विच ऑन कर दिया, और आप देख पा रहे हैं हमारी जो LCD है प्रॉपर वे में वर्किंग है, यानी कि हमारी LCD डैमेज नहीं हुई है और हमारी LCD बिल्कुल से सही है। और अब हम इसका जो सेपरेटर मशीन से, या फिर हम SMD की सहायता से, या फिर हम ये जो रैपर है प्लास्टिक रैपर, इसकी मदद से हम इसको अलग करेंगे। और जैसे कि मैंने ऑन करके आपको चेक करा दिया, LCD हमारी डैमेज नहीं है। तो अब हम फटाफट इसको अलग कर लेते हैं, और ये हम सबसे पहले बैटरी को रिमूव करते हैं, ये डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव करते हैं, और ये हम मदरबोर्ड को साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें पहले भी टच लगाया हुआ है, तो ये हम इसको ये इसकी मदद से और इसके अंदर थोड़ा सा हम फंसाने की कोशिश करेंगे डिस्प्ले के अंदर। और ये देखिए, इस प्रकार से हम ये डिस्प्ले के और टच के बीच में ये इस रैपर को लगाएंगे, और हम थोड़ा सा केयरफुली तरीके से इसको अलग करने की कोशिश करेंगे। और ये हम बहुत ही केयरफुल तरीके से करेंगे, क्योंकि जो डिस्प्ले की हमारी जो लेयर होती है बहुत ही पतली लेयर होती है, और वो डैमेज नहीं हो जाए, तो हमें थोड़ा सा सावधानी पूर्वक हमें सारा काम करना है। कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो, और यहाँ पर हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा हीट की आवश्यकता है ताकि हमारा ये डिस्प्ले है प्रॉपर वे में रिमूव हो सके। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हीट करेंगे इसको ताकि हमारा ये डैमेज नहीं हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हीट करते हैं दोबारा से, थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया, हमें गर्म की आवश्यकता थी, तो ये सेपरेटर मशीन से हमने इसको थोड़ा सा हीट कर लिया। और हम इसको यही इस रैपर की मदद से हम इसको वापस से देखते हैं, और ये हम यहाँ से इसमें फंसाते हुए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, ये इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में हमारा ये निकलता चला जाएगा, ये देखिए। और ये हमारा जो टच है हमारा ये सेपरेट हो जाएगा, ये देखिए, ये टच हमारा अलग हो गया, ये हमारा डिस्प्ले अलग हो गया। अब सबसे पहले हमें ये स्पॉट्स को इसको क्लीन कर लेना है। ये स्पॉट्स हमारे जो है गम के आ गए, और ये देखिए, ये टच हमारा डैमेज था और ये वर्किंग में नहीं था, तो इसको हम अलग रख लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, एसीटोन की मदद से हम इसको क्लीन कर सकते हैं।
और ये कपड़े पे हम थोड़ा सा एसीटोन लगाते हैं या कॉटन में आप लगा सकते हैं, और एसीटोन की मदद से हम इसको क्लीन करते हैं। ये देखिए हम थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं ताकि हमारा ये स्पॉट्स निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमने पूरा का पूरा क्लीन कर लिया और आप देख पा रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा इसका फ्रेम है, इस फ्रेम को भी हमें क्लीन कर लेना है। ये टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। ये टच को तो हम साइड में रख देते हैं, डिस्प्ले को तो, और ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम का भी गम हमें क्लीन कर लेना है। तो ये हम फटाफट इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि हम इसमें नया जो टच लगाएं वो हमारा प्रॉपर वे में चिपक सके। तो इसको हम फटाफट क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सारा का सारा क्लीन कर लिया। अब हम इसमें हमारा ये डिस्प्ले लगाएंगे, इसको हमने साफ कर लेते हैं हम थोड़ा सा। देखिए ये डिस्प्ले को हमने साफ कर लिया और डिस्प्ले को हम इसके अंदर से लगाएंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक, और ये फ्रेम के अंदर हम इस प्रकार से सेट कर देंगे ताकि हमारी डिस्प्ले प्रॉपर वे में सेट हो जाए। और ये इस प्रकार से हम ये फ्रेम के अंदर सेट कर देनी है। ये देखिए इस प्रकार से हमें ये डिस्प्ले सेट कर देनी है। डिस्प्ले सेट करने के बाद में हमें ये जो टच है, ये हम इसमें नया टच लेंगे। ये हम नया टच लेंगे, ये देखिए ये हमने टच पैड नया ले लिया। और यहाँ पर हमें इसका ये रैपर उतार लेना है। ये रैपर हम उतारेंगे इस प्रकार से। और ये हमने इसका रैपर अलग कर लिया। अब हमें ये टच पेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक T7000 का इस्तेमाल करेंगे जो कि इसको पेस्ट करने में, इसको चिपकाने में हमारी मदद करता है। तो ये हम यहाँ पर इसके कॉर्नर कॉर्नर में लगाएंगे, और ये हम इसके कॉर्नर कॉर्नर में लगा लेते हैं फटाफट। ये सॉल्यूशन है हमारा जो कि हमारे कॉम्बो को फिक्स करने में हमारी मदद करता है। हम इसके कॉर्नर कॉर्नर में लगाएंगे चारों ओर। इसकी मात्रा हमें बिल्कुल थोड़ी रखनी है ताकि हमारे डिस्प्ले के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आए। और ये हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा लगा देनी है। इसको डिस्प्ले को साफ कर हम जो भी डस्ट वगैरह है इसको क्लीन कर और इसको प्रॉपर वे में हम सेट करते हुए ये जो टच है ये हम यहाँ से निकालेंगे। और इस टच को हम इस प्रकार से प्रॉपर वे में इसके फ्रेम में सेट कर देंगे। इस प्रकार से सेट करके हमें इस प्रकार से रख देना है। अब हम मदरबोर्ड लेंगे, ये हम मदरबोर्ड लेंगे, और सबसे पहले हम एंटीना वायर हमारा लगाएंगे मदरबोर्ड में। एंटीना वायर अगर हम नहीं लगाएंगे दोस्तों तो हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी और नेटवर्क हमारा फ्लिंकरिंग में रहेगा, नेटवर्क हमारा आएगा नहीं। तो हमें ये एंटीना वायर, हमें सबसे पहले काम एंटीना वायर लगा देना है। एंटीना वायर लगाने के बाद में हमें ये चार्जिंग स्ट्रिप इसमें लगा देनी है जो कि मदरबोर्ड में हमारी लगेगी। और हमें ये इस प्रकार से जो ये टच है, इस टच को भी हमें इस प्रकार से रखकर थोड़ा सा इस प्रकार से रखकर थोड़ा इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। और ये हमारा जो वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेटर भी हमें इसके अंदर लगा देना है इस प्रकार से। और ये हमें टच को फोल्ड कर इस प्रकार से रखना है इसके अंदर ताकि हमारा टच प्रॉपर वे में लग सके। हमने टच का लगा दिया। टच लगाने के बाद में हमें ये डिस्प्ले कनेक्टर लगा देना है।
डिस्प्ले कनेक्टर लगाने के बाद में हमें ये बैटरी इसके अंदर लगा देनी है। केयरफुली तरीके से हमें यहां पर लगाना है और इसको लॉक कर देना है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, हमें ये जो इसका बोन के ऊपर का ये था हमारा कवर, ये हमें इसमें लगाना है और जो भी स्क्रू हमने इसके ओपन किए थे वो हमें वन बाय वन करके लगा देने, ताकि हमारे जो डिवाइस के अंदर किसी प्रकार की कोई भी लूजिंग नहीं रहे और प्रॉपर वे में हमारा डिवाइस वर्क कर। ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे स्क्रू हमने लगा दिए। उसके बाद में हमें ये बोन लेना है और ये ऑन ऑफ स्विच हमें इसके अंदर लगा देना है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें यहां पर लगा देना है। ये देखिए, फिंगरप्रिंट सेंसर भी हमें लगा देना है। फिंगरप्रिंट सेंसर लगाने के बाद में हमें ये बोन को बंद कर लेना है। बहुत ही हल्के हाथ से हमें इस बोन को बंद करना है, क्योंकि अभी हमारा जो कॉम्बो है जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो हमारा लूजिंग है, अभी प्रॉपर वे में फिट नहीं हुआ है। तो हमें इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से इसको बंद करना है और ये कोशिश ये करना है कि हम इसको चिपकने के बाद में ही बंद करें, क्योंकि ये हमारा जब सूख जाएगा तब तो हमारा बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क करेगा। और इसके बाद हमें ये रबड़ बैंड आते हैं, ये देखिए, ये रबड़ बैंड से हमें इसको लगा देना है। इसमें 2 से 3 घंटे हमें इसको रखना है ताकि हमारा ये प्रॉपर वे में चिपक सके। हम एक बार इसको स्विच ऑन करके चेक कर लेते हैं। ये हमने स्विच ऑन कर दिया और देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा MI लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए, हमारा ऑन हो चुका है। अब हम इसको अनलॉक करते हैं और ये हमारा अनलॉक हो चुका है। हम ब्राइटनेस को इसको फुल कर देते हैं, ये देखिए, और ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में वर्किंग में है। देखिए दोस्तों, हम मॉडल आपको चेक करा देते हैं, सेटिंग में हम जाते हैं, अबाउट फोन में आते हैं और ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मॉडल है यहाँ पर मेंशन हो रहा है Redmi 3S। तो इस प्रकार से देखा दोस्तों, कितनी आसानी से हमने हमारे Redmi 3S मोबाइल में हमने टच रिप्लेसमेंट किया, किस प्रकार से हमने उसको ओपन किया, किस प्रकार से हमने उसका खाली टच रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और ये रबड़ हमें कम से कम 2 से 3 घंटे दोस्तों इस पे लगा के रखना है, ताकि हमारा जो हमने सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है इसके अंदर T7000 वो प्रॉपर वे में हमारे इसको चिपका सके और हमारा जो कॉम्बो है या हमने जो भी टच रिप्लेसमेंट किया है वो हमारा इसमें बेहतरीन तरीके से इसका चिपक सके और हमारा को लंबे समय तक हमें उसका बेनिफिट्स मिलता चला जाए।